अच्छा, हमने पुराने वीडियो में पढ़ लिया डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी में कैनेडियन डिमांड फॉर मनी पढ़ लिया। अब यहाँ पर एक खास चीज़ जो है वो है लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप क्या है? ये केन्स ने इंट्रोड्यूस किया है और इसने ये ड्यूरिंग डिप्रेशन कहा था। ये कहता है कि व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल्स देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड बिकम हायर। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरता है तो प्रेजेंट वैल्यू बढ़ती है, तो लोग क्या कर रहे थे, स्पेकुलेटर विल सेल इट, स्पेकुलेटर बॉन्ड बेच देता है। एंड ठीक है, एंड व्हेन ही थिंक रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लोवेस्ट, नीचे आ रहा है, सबसे कम हो गया, तो वो क्या कर देगा, वो चीजें बेच देगा, बॉन्ड बेच देगा एंड ही विल कीप कैश। ठीक है, वो कैश रखेगा अपने पास। नाउ इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट राइज, ठीक है, एंड इट इज इट्स लोवेस्ट पॉसिबल लेवल, इस तरह होता है बहुत वक्त रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत नीचे चला जाता है। ठीक है, मसलन अमेरिका में नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.05, ठीक है, हमारे यहाँ तो 6% 7% होता है, लेकिन अमेरिका में 0.05 तक ये चीज चली जाती है। ठीक है, सो इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट राइज एंड इट इज एट इट्स लोवेस्ट पॉसिबल लेवल, तो फिर क्या करेगा, देन इफ एट दिस स्टेज द स्पेकुलेटर डिमांड फॉर मनी इज इनफिनिटी, तो वो कितना डिमांड करेगा इस पे, इन्फिनिटी। वो कोई बॉन्ड नहीं रखेगा, तब कोई बॉन्ड नहीं लेगा, कोई प्रॉपर्टी नहीं लेगा, बल्कि क्या करेगा, अपने पास कैश रखेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा भी इंक्रीज करता है ना, और ये क्या करे, इसके पास कोई भी प्रॉपर्टी इसने खरीद ली इस रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो थोड़ा सा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा तो इसको नुकसान होगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू गिरेगी। अगर इस डिक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये कोई भी चीज खरीदेगा इस लोएस्ट लेवल पे, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट हायर होगा तो इसको नुकसान होगा, तो ये कभी भी इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चीज नहीं खरीदेगा, रादर क्या करेगा, ही विल प्रेफर कैश ओवर बॉन्ड बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट कैन नॉट फॉल फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, एंड इफ राइजेस, अगर ये इससे कम हो नहीं सकता, अगर थोड़ा सा राइज करे, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड विल डिक्रीज एंड स्पेकुलेटर विल बी लूजर। So in this situation, he will prefer money, he will prefer cash. This situation is known as liquidity trap, where the rate of interest is minimum and the speculative demand for money is infinity. And the MD जो होता है, demand for money become horizontal to x-axis. ठीक है, ये देखे curve, देखे यहाँ पे, यहाँ पर rate of interest नीचे आ रहा है, okay, rate of interest भी नीचे आ रहा है, demand भी बढ़ रही है, rate of interest भी आ रहा है, demand भी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर ये minimum को पहुँच आता है। ठीक है, जब मिनिमम को पहुंच जाता है ना इस लेवल पे जो स्पेकुलेटर है वो यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं रखेगा। अब याद रखें, इस पॉइंट से आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे नहीं आ रहा, लेकिन डिमांड फॉर मनी क्या है, हॉरिजॉन्टल है, आगे बढ़ रही है डिमांड फॉर मनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे नहीं आ रहा, कॉन्स्टेंट है, और डिमांड फॉर मनी क्यों, क्योंकि इस पॉइंट से वो क्यों, ये यहाँ पर ये चीज हॉरिजॉन्टल हो गई, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर हो जाता है ना, थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर हो जाता है तो वो लूजर होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो वो यहाँ पर इस पॉइंट से लेकर आगे वो कभी भी बॉन्ड नहीं रखेगा, बल्कि जितना भी पे कैश आएगा वो क्या करेगा, अपने पास कैश नकद रखेगा, बल्कि ठीक है बॉन्ड कभी नहीं रखेगा। इस लेवल को, ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है, इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। ये लिक्विडिटी ट्रैप नहीं है, यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है ये इसको कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। यहाँ पर से निकलने के लिए क्या होता है, जब भी सप्लाई ऑफ मनी, जितनी भी सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज की जाए तो वो क्या होगा, वो अपने पास रखेगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। अच्छा, नेक्स्ट जो है, अब हम ये केनेडियन थ्योरी तो पढ़ ली ना, लिक्विडिटी थ्योरी पढ़ ली। लिक्विडिटी थ्योरी में क्या है, डिमांड फॉर मनी है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी क्या है, डिमांड फॉर मनी है। डिमांड फॉर मनी के तीनों के ट्रांजेक्शनरी और स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी पढ़ ली, और फिर उसमें हमने क्या कर लिया, स्पेकुलेटिव डिमांड भी पढ़ लिया। अब ये है कि किस तरह रेट ऑफ इंटरेस्ट मुकर्रर होता है, मुकर्रर किस तरह होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, किस तरह, ये क्लासिकल का क्या था, मैं आपको क्लासिकल का दिखाता हूँ, क्लासिकल के केस में किस तरह रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन होता था। ठीक है, मैं आपको क्लासिकल वाला दिखाता हूँ पहले। ये देखें, ये डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट था क्लासिकल थ्योरी में। क्लासिकल क्या कहते थे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरह मुकर्रर होता है, वो सिंपली कहते हैं कि सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड वे इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेविंग जो था ये पॉजिटिव फंक्शन था रेट ऑफ इंटरेस्ट का, और इन्वेस्टमेंट नेगेटिव फंक्शन था।
दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया ई पॉइंट पे, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मुकर्रर हो गया और सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर थी। लेकिन कीन्स कहता है जी नहीं, इस तरह नहीं है। कीन्स कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन होता है जब डिमांड फॉर मनी सप्लाई ऑफ मनी के बराबर हो जाए। क्या कीन्स की थ्योरी इसको कंट्राडिक्ट करती है? वो कहता है जी नहीं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को नहीं कहता। वो कहता है कि डिमांड फॉर मनी जब बराबर हो जाए सेविंग के, तो वो वहां पर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन होता है। ये क्लासिकल का ये जो सामने आपके है ये क्लासिकल है। अब हम कीनीजियन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाउ यहाँ दो रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ एक 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 रेट डालना है, हाउ इंटरेस्ट रेट या रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इज डिटरमाइंड इन कीनीजियन थ्योरी। कीनीजियन थ्योरी में तो वही क्या करेंगे, वो कहता है अकॉर्डिंग टू कीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड वेयर डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी। डिमांड फॉर मनी हमने बता दी, डिमांड फॉर मनी जो है वो क्या हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट के नेगेटिव रिलेटेड है, ठीक है। ये यहाँ देखें, इधर यहाँ पर ये वाला, ये डिमांड फॉर मनी है, ये टोटल एम डी है, एम डी रेट ऑफ इंटरेस्ट के नेगेटिव रिलेटेड है, ठीक है, ये डिमांड फॉर मनी है, ठीक है। अब सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी क्या है, सप्लाई ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू कीन्स एक्सोजनस है टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो कहता है कि स्टेट सेंट्रल बैंक जो है वो रोजाना रोजाना नोट नहीं छापता, बल्कि क्या करता है, सप्लाई ऑफ मनी को एग्जॉजनस रखता है, कॉन्स्टेंट रखता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर वन हो, आर टू हो, आर थ्री हो, जो भी हो, सप्लाई ऑफ मनी कहते हैं वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होती है, बिल्कुल वर्टिकल लकीर है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टेंट होती है, ठीक है। सो यहाँ पर देखें रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर डिमांड फॉर मनी है एम डी, डिमांड फॉर मनी, और ये सप्लाई ऑफ मनी, ये एक दूसरे को काट लेते हैं इस पॉइंट पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर टू है, यहाँ पर डिटरमाइन हो गया। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिनेशन है कीनीजियन थ्योरी में, व्हेन सप्लाई ऑफ मनी इज इक्वल टू डिमांड फॉर मनी, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, डिटरमाइन हो गया। अगर डिमांड फॉर मनी बढ़ती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर चला जाएगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है, सॉरी डिमांड फॉर मनी कम हो जाती है, तो ये फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। अगर सप्लाई ऑफ मनी एग्जॉजनस कम हो जाती है, सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, अगर एम एस बढ़ जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, ठीक ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिटरमिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ देखें सप्लाई ऑफ मनी एग्जॉजनस मैंने बढ़ा दी, एग्जॉजनस अगर स्टेट बैंक ने एग्जॉजनस बढ़ा दी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर डिमांड फॉर मनी बढ़ जाती है पहले लेवल से, ठीक है, शिफ्ट हो गई डिमांड फॉर मनी, जो भी इनकम लोगों की बढ़ गई, जो भी वजह थी, ठीक है, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, ठीक है। ये शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड, ये शिफ्ट इन एम डी कर्व, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा आई एस एंड एल एम कर्व, ठीक है, आई एस एंड एल एम कर्व, तो वो इंशाल्लाह वो पढ़ते हैं।